भाजपा की विधानसभा योजना बैठक पार्टी के प्रदेश महामंत्री व जनपद के प्रभारी अनूप गुप्ता की अध्यक्षता में बैंक रोड स्थित एक निजी हॉल में संपन्न हुआ, जिसके संबंध में प्रदेश महामंत्री व प्रभारी अनूप गुप्ता ने बताया कि शनिवार के बैठक में सभी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ 25 सितंबर तक पार्टी के द्वारा चलाए जाने वाले अभियान पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी के पदाधिकारी अपने बूथ के स्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम करेंगे। उन्होंने बताया आने वाले दिनों में पन्ना प्रमुखों का एक सम्मेलन आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को बूथ विजय अभियान शुरू होने वाला है, जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे तथा सभी संगठन के कार्यकर्ता बूथ विजय अभियान को सफल बनाने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा विधानसभा चुनाव को देखते हुए संगठन के कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे और उन समस्याओं को विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। बैठक में नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, सोमेश्वर पांडे सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री व जनपद प्रभारी अनूप गुप्ता ने कहा के तौर पर उपस्थित हम सबके नेता उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी ओजस्वी वक्ता कुशल संगठनकर्ता आदरणीय श्री अनूप गुप्ता जी का गुरु गोरखनाथ जी की तपोभूमि पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं एवं आज इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर उपस्थित गोरखपुर नगर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री राधा मोहन दास अग्रवाल जी, गोरखपुर नगर विधानसभा के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अजय सिंह गौतम जी एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हम सबके अभिभावक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय श्री विनोद पांडे जी के प्रति भी विशेष तौर पर स्वागत अभिनंदन करते हैं एवं आज मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महानगर के महामंत्री इंद्रमणि उपाध्याय जी, महानगर के महामंत्री देवेश श्रीवास्तव जी, अच्युतानंद शाही एवं इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे महानगर के लोकप्रिय महामंत्री श्री ओम प्रकाश शर्मा जी एवं नगर निगम में उप सभापति श्री ऋषि मोहन वर्मा जी एवं यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एवं सभी सेक्टर एवं शक्ति केंद्र के संयोजक, शक्ति केंद्र के प्रभारी, शक्ति केंद्र के संचालन अधिकारी, आप सभी इस बैठक में उपस्थित हैं। आप सभी का इस बैठक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की ये योजना बैठक निश्चित ही हम सभी को अभी जिसका श्रेष्ठ मार्गदर्शन प्राप्त होगा, आदरणीय अनूप जी विस्तार आगामी कार्य योजना के बारे में हम सभी को बताने वाले यार देख लो। पार्टी ने एक विशेष अभियान चलाया है 23 तारीख से लेकर 5 तारीख तक बूथ सत्यापन का अभियान। निश्चित ही आगामी जो 2022 का चुनाव है हम सभी के लिए एक सबसे मजबूत कड़ी, हमारा बूथ सबसे मजबूत, उसी कड़ी को देखते हुए पार्टी ने एक विशेष अभियान चलाया है, जिसका शुभारंभ 23 तारीख को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा सभी सेक्टरों में
हमारे जो जितने भी सेंटर है सभी सेंटरों में उस दिन बूथ अध्यक्षों के साथ और उस सेंटर के प्रभारी और उस सेंटर में निवास करने वाले अपने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी बैठकर उस कार्यक्रम को सुनेंगे और उसमें आगामी कार्यक्रम के अपने बूथ अभियान के कार्यक्रम के बारे में योजना रचना बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा महानगर आप सभी की बदौलत सभी कार्यक्रमों पर क्रमांक एक पर रहा है। जो पिछले बूथ सत्यापन के कार्यक्रम हुए उसमें भी नगर बूथ समिति आप सभी ने जमा करने का काम किया था। निश्चित ही जो आगामी कार्यक्रम के बारे में अभी आदरणीय अनूप जी बताएंगे आप सभी की बदौलत निश्चित ही एक बार पुनः आप सभी के स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद जय भारत। आज इस बैठक में आगे हम सबको कैसे कार्य करना है 2022 का जो चुनाव है आने वाला उसमें कैसे विजयश्री ऐतिहासिक दिलानी है उसमें जिसका आज हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। हम सभी के प्रचित ओजस्वी वक्ता कुशल संगठनकर्ता अपने परिश्रम और पराक्रम से उत्तर प्रदेश में हर कार्यकर्ताओं के दिल में अपना स्थान बनाने वाले माननीय अनूप गुप्ता जी प्रदेश महामंत्री और हमारे गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी आज उनका हम लोगों को बातें मिलेगा। आप सभी के सुपरचीफ चर्चित विधायक नगर के आदरणीय राधा मोहन जी हमारे मार्गदर्शक हम सभी के अति वरिष्ठ नेता प्रदेश कार्यमंत्री के सदस्य पूर्व मंत्री आदरणीय विनोद पांडे जी कार्यक्रम का संचालन कर रहे भाई ओम प्रकाश जी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्षा अमिता जी महानगर अध्यक्षा जी और सभी साथियों सभी कार्यकर्ता मित्रों बंधुओं क्योंकि मैंने यहाँ सत्यापन किया है और लंबे समय से गोरखपुर से हम लोग का रिश्ता आता है तो हम सारे लोग एक दूसरे से परिचित हैं और सत्यापन का कार्य भाई नित्यानंद साहिब जी भाई अभिजय साहिब जी भाई राजेश जी भी ओमकार जी सारे लोग उसमें बड़ा सहयोग करते थे और सारे लोग हम लोगों से परिचित हैं। सत्यापन का कार्य भारतीय जनता पार्टी में उसमें बहुत ही जो है कठिन और बहुत द्रूप माना गया था क्योंकि इतनी सारी सदस्यता हो गई थी कि बहुत ही कठिन काम था सत्यापन का। लेकिन आप सारे लोग बधाई और धन्यवाद के गोरखपुर नगर की इस महत्वपूर्ण योजना बैठक के अवसर पर मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष यशस्वी श्री राजेश गुप्त जी माननीय विधायक श्री डॉक्टर राधा मोहन अग्रवाल जी हमारे अग्रज और पार्टी के अति वरिष्ठ नेता लंबे समय तक हमारे मार्गदर्शक रहे अभी भी इनका मार्गदर्शन हम सब प्राप्त करते रहते हैं। माननीय विनोद पांडे जी भारतीय जनता पार्टी महानगर के महामंत्री संचालन कर रहे ओम प्रकाश जी इंद्रमणि उपाध्याय जी देवेश श्रीवास्तव जी अच्युतानंद साई जी इस विधानसभा के सम्मानित विधानसभा प्रभारी श्री अजय सिंह गौतम जी महानगर के उपसभापति नगर के नगर निगम के श्री ऋषि मोहन वर्मा जी महिला मोर्चा की क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता जी मंडल के प्रभारी मदन अग्रहरी जी मंडल अध्यक्ष सिद्धांत घोष जी आनंद अग्रहरी जी अजय मणि त्रिपाठी जी सुब्रत जी अष्टभुजा श्रीवास्तव जी उपस्थित सभी देवियों सज्जनों भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों भारतीय जनता पार्टी जिसके कार्यकर्ता के नाते से जिसके दायित्वधारी कार्यकर्ता पदाधिकारी के नाते से आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में केवल एक राजनीतिक दल है जो इस प्रकार से राजनीतिक रूप में सामाजिक संगठन के रूप में काम करता है
और अपने सामाजिक दायित्वों को समझते हुए अपने सब प्रकार के कार्यक्रमों में जन कल्याणकारी बातों का ध्यान रखता है। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ी सदस्यता वाला राजनीतिक दल, कभी 3 सांसदों से शुरू होने वाला जनसंघ, आज देश भर में 303 सांसदों वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनकर के उभर करके सामने आई है। आज हम केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार चल रही है, भिन्न भिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भिन्न भिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के मुख्यमंत्री अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो मार्गदर्शन हमारे महापुरुषों ने दिया था उस पर चलते हुए और अपने जन कल्याणकारी कार्यों को कर रहे हैं। मित्रों, हम सभी जानते हैं 2022 का विधानसभा चुनाव आसन्न है, सन्निकट, और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के रणभेरी बन चुकी है। चारों ओर हर प्रकार के राजनीतिक दल अपनी गतिविधियां चालू कर चुके हैं। कई सारे लोग अलग अलग प्रकार के विभिन्न नाटक नौटंकी के कार्यक्रम भी चला रहे हैं, हम देख रहे हैं विभिन्न प्रकार के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में काम करता है, एक पार्टी के रूप में हम काम नहीं करते खाली, हम एक सामाजिक संगठन के रूप में भी काम करते हैं और हमारा संगठन बूथ तक का संगठन सुदृढ़ बना हुआ है। मित्रों, किसी विद्वान ने कहा कि जो सेना शांति काल में युद्धाभ्यास करती है, जो सेना खाली समय में भी अपने युद्धाभ्यास को जारी रखती है, युद्ध के आने के समय पर वह सेना विजयी होती है, यश को प्राप्त करती है। और इसलिए अभी जब चुनाव की समर बेला इतनी तीव्र नहीं हुई है, तभी भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पूरे प्रदेश भर में बूथ विजय अभियान चलाने का निर्णय लिया है। यह बूथ विजय अभियान आगामी 23 अगस्त से शुरू होने वाला है। बूथ विजय अभियान के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी उत्तर प्रदेश के किसी एक शक्ति केंद्र पर पहुंच करके और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने वाले। बूथ विजय अभियान वैसे तो उत्तर प्रदेश के ही कार्यकर्ताओं के लिए है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी इसको गंभीरता से लेते हुए अपना समय, कीमती समय हमारे निकालने का प्रयास किया। 23 तारीख को प्रातःकाल 11 बजे इसका उद्घाटन का कार्यक्रम होगा। आज जितने भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को यहाँ पर शक्ति केंद्र का सत्यापन अधिकारी बनाया गया है, जितने भी श्रेष्ठ कार्यकर्ता शक्ति केंद्र के संयोजक हैं, शक्ति केंद्र के प्रभारी गण हैं, उन सभी लोगों की चिंता का विषय होना चाहिए कि 23 तारीख को 11 बजे जो हमारा शक्ति केंद्र है, उसी शक्ति केंद्र पर हम किसी एक स्थान पर एकत्रीकरण करेंगे और उस शुभारंभ के कार्यक्रम में, उद्घाटन के कार्यक्रम में बूथ विजय अभियान जो पार्टी चलाने वाली है उसमें हम वर्चुअल आधार पर जुड़ेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा। आज की बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने 25 सितंबर तक के अपने अभियान के बारे में चर्चा किया है। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में अपने बूथ पर जो संगठन का स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने का काम करेगी और आने वाले दिनों में हम पन्ना प्रमुखों का एक सम्मेलन का कार्यक्रम करेंगे। इस प्रकार से संगठनात्मक बैठक थी, आने वाले दिनों के लिए कुछ प्रोग्राम बने हैं। बूथ विजय अभियान हमारा शुरू होने वाला है 23 अगस्त से। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का उद्घाटन होगा, उसमें उन्होंने वो करेंगे और इस तरह से ये बूथ विजय अभियान हम लोग लेकर के आगे चलने वाले हैं। जी, विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ये बूथों का संगठन स्ट्रक्चर अपना ठीक कर रही है और आने वाले समय में हम डोर टू डोर जाकर के जनता के मन की आवाज़ सुनेंगे, जनता से उसके मन की बात को लेंगे, लिखित लेंगे और अपने घोषणा पत्र में सम्मिलित करने का काम करेंगे।